इंसान हमेशा से भ्रम में है कि वो सब कुछ जानता है, लेकिन बहुत सी चीज़ें हैं जो आज भी इंसानों की सोच से परे हैं, जैसे कि भूत, आत्माएं, ऐसे किले जो आज भी आत्माओं के साये से हॉन्टेड हैं। आज बात करेंगे भानगढ़ के किले की। भानगढ़ आत्माओं का एक ऐसा आयाम है जो इस दुनिया के नियम कानूनों से अलग है। तो भाई जी बताइए, ये भानगढ़ की असलियत क्या है आपके हिसाब से? के सही में मानने लायक बात है कि भारत का सबसे हॉन्टेड प्लेस है भानगढ़? हम तो यही सुनते आ रहे हैं कि भाई ये हॉन्टेड प्लेस ही है, रियल भी है। जो भी श्रापित है, मतलब श्रापित है, 7 मंजिल का हुआ करता था, 7 फ्लोर उसके अंदर थे, लेकिन अभी शायद 2 या 3 फ्लोर ही रह गए, उसके अंदर भी वो भी किसी में छत नहीं है। इतने सारे राज हैं इस दुनिया में जो हमें लगता है शायद हमने एक्सप्लोर कर लिए हैं, हम जानते हैं, लेकिन हम बहुत गलत है वहाँ पे। भानगढ़, आज जो भानगढ़ की कहानी बताने जा रहा हूँ, शायद इसे प्रूफ करने के लिए मेरे पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ें इस कैमरे में रिकॉर्ड होना या आपको बताना मुश्किल है, और कहें नामुमकिन है तो भी गलत नहीं। देखी हुई कहानी, आपके द्वारा देखा हुआ कोई किस्सा जो आप बताना चाहें? तो लोग जैसे हम सुनते हैं सभी टूरिस्टों से, उनके साथ बहुत से ऐसे हादसे हो चुके हैं, जैसे हाईवे पे बहुत सी चीज़ें मिल जाती है, बताऊँ आपको, गाड़ियाँ रुक जाती है, सामने से लेडीज आगे खड़ी हो जाती है, आदमी बिना सिर वाले आदमी खड़े हो जाते हैं, अच्छा, बिना हाथ, जो हाथ नहीं है वो खड़ा हो जाता है, तो ऐसी चीज़ें बहुत। दोस्तों, भानगढ़ की इस किस्से की शुरुआत होती है, सबसे पहले एक एंट्री गेट है भानगढ़ में, जहाँ से आपको टिकट प्राप्त होती है आगे विजिट करने के लिए। टिकट लेने के बाद आप जैसे भानगढ़ में एंटर करते हैं, राइट हैंड साइड पे एक मंदिर है जो बजरंगबली का है। उस मंदिर के बाद आपको ऑलमोस्ट 1 से 1.5 किलोमीटर पैदल चलना है, जहाँ पे नगर आपको देखने मिलेगा, जो नगर उस तांत्रिक के श्राप द्वारा जमीन में ध्वस्त हो गया, यानी कि 8 से 10 हज़ार लोग एक रात में उस जमीन में धस गए, वहीं पे उन्होंने प्राण त्याग दिया, और आज भी वो लोग वहाँ मौजूद हैं। जी हाँ दोस्तों, आप जैसे आगे बढ़ते हो, लेफ्ट हैंड साइड पे भानगढ़ महल में यानी किले में एंट्री करने से पहले एक पेड़ है बरगद का, जो ऑलमोस्ट उन मकानों के ऊपर उगा हुआ है, जो काफ़ी ताज्जुब वाली बात है। जैसे ही मैं वो पेड़ क्रॉस करके भानगढ़ के मेन दरवाजे से अंदर जा रहा हूँ, अंदर जाते ही वहाँ की जो एनर्जी है, वहाँ का जो आयाम है, मैंने आज तक ये चीज़ महसूस नहीं की है। उस आयाम को क्रॉस करना या वहाँ से आना मेरे लिए मेरी जीवन का सबसे बड़ा किस्सा बन चुका है। आगे बढ़ते हैं, जैसे ही मैं उस दरवाजे को क्रॉस कर रहा हूँ, आप जो भी वीडियोस देख रहे हैं, जो भी क्लिप्स आप देख पा रहे हैं, वो सारी क्लिप्स मैंने शूट की थी, मैंने रिकॉर्ड की थी, लेकिन फिर जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद ये करना बहुत ही मुश्किल था। जैसे ही आप मेन दरवाजे से अंदर एंट्री लेते हैं, जिस प्रकार से मैंने एंट्री ली, आप ये चीज़ तो महसूस कर ही पाएंगे कि आप वहाँ अकेले नहीं हैं, क्योंकि इतने सारे लोग आज भी वहाँ मौजूद हैं। आपको ये आभास ज़रूर होगा कि आपके आसपास बहुत सारे लोग, बहुत सारी एनर्जीज मौजूद हैं। जैसे ही मैं आगे बढ़ता हूँ, राइट हैंड तरफ एक शिव जी का मंदिर है, गोपीनाथ मंदिर। गोपीनाथ मंदिर में मैं ऊपर जा रहा हूँ, मैं मेरी शूटिंग कर रहा हूँ, शूटिंग करते करते मैंने वहाँ पे ड्रोन शॉट लिया है। दोस्तों, ड्रोन शॉट, ड्रोन उड़ाना भानगढ़ में अलाउड नहीं है, जो कि कोई कानूनी नोटिस या फिर कोई लिखावट नहीं है कि आप ड्रोन फोटोग्राफी नहीं कर सकते, जिस कारण से मैंने वो ड्रोन उड़ाया। उड़ाते समय वहाँ के अधिकारियों के साथ छोटा सा झगड़ा हो गया, अधिकारी आए, उनसे थोड़ी बोलचाल हुई कि ये नहीं उड़ा सकते आप। तो ड्रोन को नीचे उतारते वक्त, उनसे अधिकारियों से बातचीत करते वक्त, राइट हैंड तरफ एक ऊंची सी चोटी है, पहाड़ जैसी, ऑलमोस्ट 100-150 मीटर ऊंची है वो, जहाँ पे उस तांत्रिक का घर है, जहाँ वो तांत्रिक रहते थे। वहाँ पे मित्र बात करते समय उस अधिकारी के साथ मैंने साक्षात 10 से 15 सेकंड के लिए एटलीस्ट उस तांत्रिक को वहाँ देखा है।
मैं जानता हूँ शायद ये बहुत सारे लोग बात सुन के सोच रहे होंगे कि कैसे पॉसिबल है, इसके पुख्ता सबूत मेरे पास नहीं है, बस एक एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये आत्मा, एनर्जी या फिर जो सारी हम चीज़ें कहते हैं कि नेगेटिव, ऐसी सारी चीज़ें होती है जिसपे मैं बिलीव नहीं करता था, तो भानगढ़ जाने के बाद मुझे यकीन हो गया कि यस, ये सारी चीज़ें होती है। जैसे ही हम भानगढ़ पहुँचा, उसके बाद वहाँ एक खंडर गाँव है, तो मतलब ऐसा लगता है हमें कि अभी भी गांव वही बसा हुआ है, लोग वही है, जो मार्केट है, जो लोग वहां बसे हुए हैं, हमें ऐसा ही लगता है कि हमारे साथ वो लोग चल रहे हैं, हमारे आसपास है, हमें बुला रहे हैं। तो हम मान लो कि हम अकेले चल रहे हैं, फिर भी हमें ऐसा लगता है हम क्राउडेड जगह पे चल रहे हैं। फिर उसके बाद जब एक और चीज़ ऐसी होती है मेरे साथ कि सडनली मुझे पसीना आता है बहुत सारा, मतलब जो हम कहते हैं सफोकेशन जैसी चीज़ें होती है, फिर सडनली मेरा शरीर जो है कांपने लग जाता है। मतलब किस तरीके से कांपता है, मान लो कि आप 0 डिग्री टेम्परेचर में आप हो और जिस तरीके से आपने कोई जैकेट नहीं पहना है और इस प्रकार की कंडीशन में जिस तरीके से आपको ठंडी लगती है, आपका बॉडी जो है वो कांपता है, उतनी हद तक मेरा बॉडी कांप रहा था। ये सारी चीज़ें होने के बाद मुझे बिलीव हुआ कि भाई सडन ऐसी सारी चीज़ें नहीं हो सकती। और फिर जब मैं लौट रहा था वहाँ से, कंटिन्यूसली वो सारी चीज़ें फील हुई जब तक मैंने भानगढ़ नहीं छोड़ा, वो दायरा मैंने क्रॉस नहीं किया। और जैसे ही मैंने वो दायरा क्लियर किया, सडनली मेरा हाथ कांपना बंद हो गया, पसीना भी नॉर्मल हो गया, मेरी बॉडी एकदम नॉर्मल जगह पे आ गई। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मेरे को लगा कि वहाँ एक मतलब थोड़ी देर के लिए मेरी आंखें ब्लर हो गई, फिर मैं देखा कि वहाँ जो नगर था शताब्दी शताब्दी में हुआ करता था, वैसे ही नगर मेरे को दिखने लगा। और वहाँ जो बाजार लगता था वो बाजार भी मैंने देखा, वहाँ काफ़ी सारे लोग थे, मतलब कि 10,000 लोगों को गाँव हुआ करता था। और तकरीबन अगर देखा जाए रियली में तो वहाँ पर 200-300 लोग ही थे, लेकिन महसूस हो रहा था कि वहाँ कम से कम 5,000 से 6,000 लोग वहाँ पे हैं, क्योंकि आवाज़ें इतनी आ रही थी, क्राउड इतना ही था वहाँ पे। हम अकेले जा रहे हैं बट फिर भी वहाँ पे हो रहा है कि 300, मतलब मैं अकेला हूँ लेकिन मुझे फिर भी लग रहा है कि मेरे आसपास 200-250 लोग चल रहे हैं, क्योंकि आवाज़ आती ही जा रही है, वहाँ आवाज़ कम हो ही नहीं, क्राउड एकदम कम है ही नहीं। हमें दिख रहे 5 लोग हैं लेकिन महसूस हो रहा है कि वहाँ पर कम से कम 500 लोग हैं। और मैं आगे चलता जा रहा हूँ, फिर मैं जब थोड़ा और अंदर गया तो मैंने महसूस किया कि वहाँ पे एक पेड़ था, तो थोड़ा सा और आगे निकल गया मैं थोड़ा सा, तो बाकी सब लोग आगे निकल चुके थे ऑलरेडी मेरे से, तो मैं थोड़ा पीछे था। मैं महसूस किया कि किसी ने मेरे टपली मारी पीछे से, जो कि नॉर्मल सी बात है कि अपने कोई साथ वाला ही ये काम कर सकता है, कोई मजाक तो कोई करेगा, कोई अननोन पर्सन है, नई जगह है, तो ऐसे कोई नहीं आएगा कि आपको जाके पीछे से पुश कर दे। लेकिन वहाँ ऐसे मेरे साथ ऐसा हुआ, तो मैंने सोचा कि नहीं हो सकता कि कोई मेरे से कोई अपने ग्रुप का ही पीछे रह गया हो, उसने ये काम किया हो। तो मैं 5 सेकंड के लिए वहाँ देखा भी इधर उधर, तो मुझे कोई नहीं दिखा। फिर देखा तो मैं सारे लोग जो मेरे ग्रुप के तो सारे आ गए ही थे, तो मैं जल्दी से उनके पास पहुँचा। जैसे ही मेरे साथ ये हादसा हुआ मैं तुरंत उनके पास पहुँचा और मैंने उनको जाके ये चीज़ बताई, तो कुछ उनके साथ भी कुछ ऐसे हो चुका था एक्सीडेंट, जो कि मैं पीछे था वो लोग आगे थे। तो वहाँ जब हमने ये सारी चीज़ें हमारे साथ हुई ग्रुप के साथ, तो हमें लगा कि ये जगह बिल्कुल हमारे लिए ठहरने के लिए सही नहीं है, तो हमने वहाँ से तुरंत ही निकलना उचित समझा। हम जब भानगढ़ पहुंचे, मैंने आरओ को सडनली कांपते हुए देखा, बट माइंड नहीं की होती सारी चीज़ों के। और उसके बाद मैंने लोगों की तबीयत ख़राब होते हुए देखी, जैसे कि हर्ष भैया थे वगैरह, पर मैंने कभी गुरुजी का साथ नहीं छोड़ा। मैं और गुरुजी लगभग बहुत कुछ एक्सप्लोर कर रहे थे, घूम रहे थे, बट जैसे कि सर ने बताया कि वो ड्रोन वाला कांड होते ही हम सर के पास पहुँचे। उन्होंने बताया कि यहाँ से निकल चलते हैं। एक्चुअली मेरा ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा नहीं, बट जैसे मैंने अपने टीम मेंबर्स को देखा, आई फील लाइक अच्छे समय पे इस जगह से निकल जाना अच्छा था, और एक्सपीरियंस एक्चुअली में बहुत अच्छा रहा। बट आई होप के इसे वहाँ पर जाकर आपको बहुत सारी चीज़ों के लिए सतर्क होना पड़ेगा पहले से। जैसे हम आगे भानगढ़ में गए, वहाँ पे जो खंडर थे उनकी दीवार को टच करते एक अलग फील हो रहा था, जैसे अचानक से शरीर में कुछ लाइक जैसे किसी ने बर्फ़ लगा दिया हो। फिर सारे लोगों की प्रॉब्लम्स देखी हमने, और फिर सर का जो सिर दर्द था वो देखा हमने, तो फिर लगा कि नहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़े, यहाँ से निकलो। वहाँ से निकलते हुए भी काफ़ी अजीब फील हो रहा था, जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा आपको, पर जो काफ़ी वियर्ड था और मेरे काफ़ी अलग था। आप किसी से बात कर रहे हैं, बात करते करते आपका सर इतनी तेज़ी से दर्द कर रहा है कि मानो आपके सर को कोई यहाँ से पकड़ के खींच रहा है। और ये किस्सा हुआ जैसे ही मेरी नज़र पड़ती है उस तांत्रिक के घर की तरफ।
जो शिव मंदिर से राइट हैंड तरफ एक पहाड़ की चोटी पे है। वहाँ उसे देखने के बाद बस एक चीज़ हुई जिस चीज़ ने मुझे एक सबक दिया, मुझे ये इंस्पिरेशन दी कि आप ये किस्सा मैं आपके साथ शेयर करूँ। दोस्तों, जब मैंने उसे देखा सरदर्द तो शुरू हो गया। सरदर्द के साथ जब मैंने विजिट की तब वहाँ टेम्परेचर ऑलमोस्ट 29-30 टेम्परेचर था, जो कि इतना गर्म टेम्परेचर नहीं है, उल्टा वहाँ बारिश हो रही थी। इस टेम्परेचर में ना कि इतनी गर्मी है, देखने के बाद मैं ऊपर से लेकर नीचे तक पसीने से तरबदर हो चुका था। क्योंकि होता क्या है दोस्तों, जब ऐसे आयाम में आप प्रवेश करते हो, ऐसी एनर्जीज आपके तरफ अट्रैक्ट होती हैं, आपके अंदर घुसने का प्रयास करती हैं। एक शरीर में दो आत्माएं कभी नहीं रह सकती, तो उसे रोकने के लिए ये सारी चीज़ें होना कॉमन है। बहुत सारे लोगों के साथ ये चीज़ हुई होगी कि जब उनका सामना ऐसी कोई एनर्जी के साथ हुआ है तो उन्हें बुखार आ जाता है, उन्हें वॉमिटिंग हो जाती है। तो ये वही है कि आपका शरीर विरोध कर रहा है उस चीज़ का। तांत्रिक को देखना अभी तक के मेरे नॉलेज में मेरा सबसे, मेरे पास शायद शब्द नहीं है कि ये एक्सपीरियंस क्या है जो मैं आपको बताऊं। खैर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जैसे मैं बैठता हूं वहां पे, मैंने मेडिसिन ली तुरंत, क्योंकि मेरा सर माइग्रेन से भी ज़्यादा खतरनाक तरीके से दर्द कर रहा था, जो आज तक कभी नहीं हुआ। जैसे मैं बैठा हूं वहां पे, बैठने के बाद जैसे मानो मेरी चेस्ट के ऊपर कोई प्रेशर दे रहा है, जिस कारण से मैं सांस नहीं ले पा रहा, और इसकी वजह से मेरा चेहरा पूरा लाल है, पूरी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ पसीना, और अंदर से एक ही आवाज़ है कि यहाँ से अब आगे नहीं जाना, यहाँ से अब वापस लौट जाना है। और मैंने बस वही किया, मैं वहाँ से वापस लौट रहा। दोस्तों, वापस लौटते समय जैसे मैंने जिक्र किया कि वहाँ के जो लोग थे, महल जो कि खंडर है, लेकिन वो जैसे हमें हमारी तरफ खींच रहा है कि नहीं आप आओ, आप यहाँ पर देखो। मैं बस यही कहना चाहूँगा आपको कि आप जिस बारे में नहीं जानते हो उस बारे में नहीं, मैं सब जानता हूँ, ये घमंड करके जाना हो सकता है आपको किसी दिन भारी पड़ जाए। ये चीज़ मैंने बहुत लोकल से भी पता करी, ऐसी चीज़ बहुत रेयर है, आपको महसूस ज़रूर होगा। आपके साथ हो सकता है रास्ते में कोई इंसिडेंट हो सकता है आपकी गाड़ी बंद पड़ जाए, ये सारे कॉमन इंसिडेंट्स हैं। लेकिन पर्टिकुलरली एक आत्मा कह लो या एनर्जी कह लो, इसका दिखना That was not common. ये unusual था। तो बस आज इस experience से मैं यही चीज़ आपको share करना चाहता हूँ। ये घटना सत्य घटना है, इसमें 1% भी झूठ नहीं है जो मैं आपसे share कर रहा हूँ। हाँ, इसे प्रूफ करने के लिए मेरे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है, क्योंकि देखिए ईश्वर को हमने नहीं देखा, लेकिन हम ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर का सबूत नहीं मानते। इसी प्रकार से ये भूत, ये प्रेत, ये आत्माएं, ये सारी चीज़ें भी इस आयाम में, इस पृथ्वी पे मौजूद हैं, लेकिन आज तक इंसान उस स्तर पे नहीं पहुंच पाया है कि इन सारे राजों को वो जान पाए। बस अभी तो हमने शुरुआत की है। तो यही था किस्सा भानगढ़ का।